उत्तर प्रदेश में इस वक्त बड़े प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। एक के बाद एक लगातार कई बड़े प्रशासनिक फैसले लिए जा रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ा फैसला आया जो इस ओर इशारा कर रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि एक साथ 42 एडिशनल एसपी के तबादले कर दिए गए हैं। कई जिले के एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण बदले गए। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 3 साल से एक जिले में पोस्ट रहे अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले हो रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किसकी कहां नियुक्ति थी और अब नई नियुक्ति कहां मिली है। बात कर ले मार्तंड प्रकाश सिंह की तो ये मथुरा के अपर पुलिस अधीक्षक थे जो कि अब हरदोई जा रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर प्रवीण रंजन की तैनाती बिजनौर में थी जो कि अब सीतापुर जा रहे हैं। राम मनोहर सिंह की बात कर ली जाए तो पहले जनपद बरेली में थे और अब इनका तबादला बदायूं हो चुका है। वहीं संजीव कुमार वाजपेयी की बात करें तो ये शाहजहांपुर ग्रामीण में पोस्टेड थे और अब बिजनौर के लिए रवाना होंगे। आनंद कुमार की बात कर ली जाए तो ये भी मथुरा में थे जो अब गाजियाबाद के अपर पुलिस उपायुक्त होंगे। इसी के साथ ही अगर संसार सिंह की बात करें तो ये रामपुर के पुलिस अधीक्षक थे जो कि अब कन्नौज के पुलिस अधीक्षक होंगे। दीपेंद्र नाथ चौधरी जनपद बस्ती के पुलिस अधीक्षक थे जो कि अब देवरिया के पुलिस अधीक्षक होंगे। संतोष कुमार सिंह जो कि संत कबीर नगर में तैनात थे वो अब शामली में तैनाती लेंगे। वहीं शिवराज जो कि गोंडा में थे अब बरेली में नजर आएंगे। राजेश कुमार सोनकर का तबादला जो कि पुलिस अधीक्षक थे देवरिया के, उनका तबादला अब उप सेना नायक के तौर पर 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली में कर दिया गया है। मनोज कुमार अवस्थी गोरखपुर से शाहजहांपुर भेजे जा रहे हैं। अरविंद कुमार कन्नौज से मथुरा भेजे जा रहे हैं। संजय राय अम्बेडकर नगर से प्रतापगढ़। नरेंद्र प्रताप सिंह सीतापुर से मुजफ्फरनगर। शशि शेखर सिंह उन्नाव से संत कबीर नगर। मनीष कुमार सिंह बागपत से गौतम बुद्ध नगर। जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव मेरठ से गोरखपुर। ओम प्रकाश शामली से बस्ती। अतुल कुमार श्रीवास्तव मुजफ्फरनगर से रामपुर। रोहित मिश्रा प्रतापगढ़ से बुलंदशहर। शिवराम यादव आगरा से प्रयागराज। विशाल पांडे गौतम बुद्ध नगर से अम्बेडकर नगर। चिरंजीव नाथ सिन्हा लखनऊ से अब बाराबंकी। अखिलेश सिंह जो कि लखनऊ में तैनात थे उनकी पोस्टिंग अब उन्नाव हो रही है। वहीं अशोक कुमार वर्मा जो कि प्रयागराज में थे उनका तबादला अब कौशाम्बी किया जा रहा है। संजय कुमार की बात कर ली जाए तो संजय कुमार 30वीं वाहिनी पीएसी से अब जनपद बागपत के अपर पुलिस अधीक्षक होंगे। राघवेंद्र कुमार मिश्रा यूपीपीसीएल वाराणसी से मेरठ भेजे जा रहे हैं। राधेश्याम राय का तबादला उत्तर प्रदेश लखनऊ से गोंडा किया जा रहा है। बजरंग बली का तबादला बुलंदशहर से मथुरा। राहुल मिठास का तबादला कानपुर नगर से मैनपुरी। रामानंद प्रसाद कुशवाहा का तबादला गाजियाबाद से बहराइच। श्री शंकर प्रसाद का तबादला पीएसी बाराबंकी से बुलंदशहर। जितेंद्र कुमार का तबादला बरेली से गोरखपुर। अरुण चंद्र का तबादला आगरा से सुल्तानपुर। योगेंद्र सिंह का तबादला एटा। अनुराग सिंह का तबादला गोरखपुर। दुर्गेश कुमार सिंह का तबादला हरदोई से प्रतापगढ़। अखंड प्रताप सिंह का तबादला उन्नाव से लखनऊ। भीम कुमार गौतम का तबादला पीएसी मुख्यालय लखनऊ से अपर पुलिस अधीक्षक यूपी 112 में किया जा रहा है। वहीं समर बहादुर का तबादला कौशाम्बी से वाराणसी। अजय प्रताप का तबादला बदायूं से रायबरेली और अजय कुमार सिंह का तबादला अपर पुलिस अधीक्षक पीटीएस के पद जो कि सुल्तानपुर में थे वो अब सीबीसीआईडी मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में नजर आएंगे। तो ये बड़े फेरबदल है, प्रशासनिक फेरबदल है जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिए गए हैं। पिछले 2 दिनों में दूसरा बड़ा फैसला है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी और कितने फैसले होने बाकी हैं। यूपी तक के लिए संतोष कुमार शर्मा की रिपोर्ट।